नाज़रीन T20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद आमिर की वापसी के हवाले से बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। अगर आप लोग भी मोहम्मद आमिर के फ़ैन हैं और मोहम्मद आमिर को एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलता हुआ देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये कमेंट ज़रूर करना है कि प्लीज़ मोहम्मद आमिर कम बैक, ये आप लोगों ने सबसे पहले कॉमेंट कर देना है। नाज़रीन जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तानी टीम से मीटिंग की। मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तानी टीम की हौसला अफजाई की और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहतर खेल पेश करने के लिए कहा गया। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान ने फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर से भी खुफिया तौर पर मुलाकात की। इस मुलाकात की मुकम्मल तौर पर कहानी वाज़े नहीं हुई लेकिन ज़राए के मुताबिक जो खबरें मौसूल हुई हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान चाहते हैं कि मोहम्मद आमिर T20 वर्ल्ड कप में दोबारा वापस आ जाएँ। नाज़रीन जैसा कि आप लोगों को पता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी मोहम्मद आमिर के फ़ैन हैं। एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मोहम्मद आमिर जैसा फास्ट बॉलर मैंने अपने करियर में कभी नहीं देखा। तो आज मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने मोहम्मद आमिर से यह अज़म ज़ाहिर किया कि मोहम्मद आमिर एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आ जाएं क्योंकि पाकिस्तानी टीम को मोहम्मद आमिर की ज़रूरत है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान टीम को पूरी दुनिया में बदनाम किया और पाकिस्तान के पास अब बेहतरीन मौका है कि T20 वर्ल्ड कप में इन दोनों टीमों को शिकस्त देकर अपनी बेइज्जती का बदला ले लें। अगर शिकस्त देनी है तो पाकिस्तान टीम को बेहतर टीम खिलानी होगी जिसमें मोहम्मद आमिर का भी शामिल होना ज़रूरी है।